हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे प्रेक्टिन और डेक्सोना टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जो प्रेक्टिन और डेक्सोना टैबलेट है, ये दोनों टैबलेट अगर आप साथ खाओगे तो आपका जो वजन है वो बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाओगे। तो जो दुबले पतले लोग हैं, ये दोनों टैबलेट का सेवन एक साथ करते हैं। लेकिन जब ये टैबलेट आप छोड़ देते हैं तो आप पहले जैसे पतले दुबले थे, फिर से पतले दुबले हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में प्रेक्टिन के बारे में, डेक्सोना के बारे में, और इसका सही तरीका क्या है खाने का, कि अगर आप खाएं और बाद में छोड़ दें तो आप दुबले ना हों। उसके अलावा और भी जानकारी देने वाला हूं प्रेक्टिन और डेक्सोना से रिलेटेड। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, जो प्रेक्टिन है वो आपको डॉक्टर रेड्डी नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 10 टैबलेट आता है एक पत्ते में, जिसकी प्राइस 22 रुपये है, 22 से 30 रुपये के बीच में है। और जो डेक्सोना है उसको मैक्लॉयड नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है, उसमें जो है वो आपको 4 रुपये का एक पत्ता मिलेगा। तो ये दो हैं, आपको 30-35 रुपये में आपको 10 दिन का या 5 दिन का इसका आपका डोज मिल जाएगा। अगर बात करें प्रेक्टिन टैबलेट में, तो इसको डाला गया है साइप्रोहेप्टाडीन, जो कि एक एंटी एलर्जी दवा है। उसके अलावा ये आपको भूख भी बढ़ाता है। डेक्सोना की बात करें तो वो जो है वो है एक स्टेरॉइड, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, सूजन उजन को कम करने में काम आता है। तो ये दोनों जो दवा है, इनको जब एक साथ खाओगे तब आपका वजन बढ़ने लगता है। क्योंकि जो प्रेक्टिन है उसमें क्या होता है कि भूख बढ़ाता है, और जो डेक्सोना है उसका एडवर्स इफेक्ट जो है कि अगर आप इसका सेवन करोगे तो आपका वजन भी बढ़ेगा। यही कारण है कि दोनों दवा साथ लेने की वजह से आपका वजन बढ़ता है। लेकिन आप एक दो महीना तक जब लेंगे वजन बढ़ जाएगा, और जब छोड़ देंगे तो फिर वजन घट जाता है, पहले जैसा हो जाता है। तो किस तरह से लेना है वो हम समझ लेते हैं इसके डोज के बारे में। आप इसको सुबह लें एक गोली और एक शाम लें, दोनों एक एक गोली लें सुबह और दोनों एक एक गोली लें शाम को खाना खाने के बाद। ये आप 20 दिन तक ऐसे लें। 20 दिन के बाद जो डेक्सोना टैबलेट है उसको आप कम कर दें, दिन में एक बार कर दें, और उसकी जगह पे कोई मल्टी विटामिन ले सकते हैं, जैसे A to Z है, जिनको वीट है, वी टोटल है, जेंटॉप है, जो कोई भी मल्टी विटामिन, चाहे आप टैबलेट या सिरप साथ चालू कर दे। जहां पे आप डेक्सोना दो टाइम लेते थे सुबह शाम, वहां पे डेक्सोना आप एक टाइम कर दे, उसके साथ मल्टीविटामिन कर दे। और जो प्रेक्टिन टैबलेट है इसको चालू रखें। इस तरह से आप इसका 3 महीने तक सेवन करना है, यानी 90 दिन तक। आपका वजन 5 से 6 दिन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आपका वजन फिर से घट जाएगा। तो आपको क्या करना है, 20 दिन के बाद डेक्सोना का जो है दो टाइम की जगह पे एक टाइम करें, 30 दिन के बाद आप उसको एक टाइम की जगह पे आप उसको एक दो दिन में एक बार करें, 40 दिन के बाद हफ्ते में एक बार करें, और 50 दिन के बाद आप उसको लेना छोड़ दें बिल्कुल, उसको बिल्कुल भी छोड़ दें। और मल्टी विटामिन और प्रेक्टिन ये चालू रखें, और 90 दिन तक चालू रखें, भले से ही आप मोटे हो गए हैं या वजन आपका बढ़ गया है। इस तरह से अगर आप इसका सेवन करेंगे तो दोबारा आपका जब इस छोड़ेंगे तो आपका वजन नहीं घटेगा, अगर घटेगा भी तो बहुत मामूली घटेगा, ज्यादा नहीं घटेगा। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी कि हमें सही इस्तेमाल कैसे करना है प्रेक्टिन और डेक्सोना का। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।